हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार पुलिस एसएससी सीजीएल जितने भी होते हैं एचएससीएल अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए रसायन का 1500 प्रश्न का टारगेट का पांचवा भाग लेकर आए हैं, जो कि 4 भाग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। ये हमारा पाँचवा भाग है जो कि 1500 का हमारा टारगेट है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल स्रोतों में से किस एक के जल फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, भौम जल, जल नदी जल, ताल जल, वर्षा जल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौम जल। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि केमिस्ट्री का टारगेट है, तो अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सीमेंट का रंग तथा संयुक्ति को सुधारना, एक समांग मिश्रण बनाना, सेटिंग की दर को त्वरित करना या सेटिंग की दर को मंदित करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेटिंग की दर को मंदित करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, इन ऑप्शन में से किसका अवयव है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुँचेगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सजीव प्राणी एवं भवनों को, दोनों को होगा, या भवन मगर सजीव प्राणी को नहीं, भवन को होगा लेकिन सजीव प्राणी को नहीं। ऑप्शन सी, सजीव प्राणी को अगर भवन को नहीं, मतलब सजीव को हो रहा है यहाँ, भवन को नहीं। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सजीव प्राणी को होगा और भवन को कुछ नहीं होगा। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता यही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC सब में भी दे सकते हैं। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है, जब किसी शहर पर गिराया जाता है तब सजीव प्राणियों को क्षति पहुंचता है लेकिन भवन को नहीं पहुंचता है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट देखते हैं। अगर आप लोग हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो लाएंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, अधातु में सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, क्यों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, यह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इनमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी यह भंगुर है, और डी प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी, इनमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कास्ट स्प्रिट क्या होते हैं। कास्ट स्प्रिट क्या होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ऑप्शन डी अनुवाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हमारा राइट आंसर होगा, जो कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, यह जल में उबले होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है,
या डी इसके जरिए विलयन के लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, इसके जरिए विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम कौन सा है? आपको रीजनिंग के तौर पर भी ये सवाल दे सकता है एग्ज़ाम में, इसमें विषम कौन सा है? संगमरमर, चौक या चूना या बुझा चूना? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुझा चूना इसमें विषम है। संगमरमर, चौक, चूना एक कैटेगरी में आते हैं और ऑप्शन डी बुझा चूना इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, डी विषाणु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहर में वायु को प्रदूषित करता है? ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, ऐसे भी एग्जाम में दे सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शीशा। शीशा शहरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को याद होगा या नहीं तो याद कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पारद मिश्रण, पारद को अमलगम भी कहते हैं, तो ये क्या है? मिश्र धातु जिनमें कार्बन है, मिश्र धातु जिनमें तीव्र प्रतिरोधी हैं, ऑप्शन सी मिश्र धातु जिनमें मौजूद एक तत्व पारा है, या ऑप्शन डी उच्च रंग युक्त मिश्र धातु है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा मिश्र धातु जिनमें मौजूद एक तत्व पारा है। जाहिर सी बात है पारा पारद को कहते हैं और अमलगम भी उसी को कहते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा राइट आंसर। अग्निशमन वस्त्र किस से बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, अवरक, एस्बेस्टोस, सी टैल्क और डी एटाइट। तो हमारा राइट आंसर होगा, एस्बेस्टोस, ऑप्शन बी एस्बेस्टोस से अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ धातु में निम्न में कौन सा गुण धर्म सामान्यतः पाया जाता है? ओ धातुओं में निम्न में कौन सा गुण धर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, भंगुरता, चालकता, तन्यता, आघात वर्धनीयता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भंगुरता। भंगुरता ओ धातुओं में सामान्यतः गुणधर्म पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो गया ए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वाही स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में कौन सा अपतीर्ण प्रभावी पाया जाता है या पाया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, वाटर, हाइड्रो, इथन, एलिफेंट ग्रास, पार्थेनियम, ऑप्शन डी में बी और सी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलिफेंट ग्रास। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए दिए हैं, तो उसे आप जानते हैं तो कमेंट में दीजिए इसका आंसर। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल, ब्यूटेन। तो इन चार ऑप्शन में क्या सही होगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा या क्या चीज़ पे वीडियो बनाएं जो कि आप सबको हेल्पफुल हो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।